मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन सिंह यादव ने ग्वालियर प्रवास के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लागू की गई नई शिक्षा नीति को तत्काल प्रभाव से प्रदेश में लागू करेंगे। उन्होंने कोरोना वायरस के चलते नवीन शिक्षा सत्र में ऑनलाइन पढ़ाई कराने की बात कही, जिससे छात्रों का साल और पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव अपने ग्वालियर प्रवास के दौरान सभी लीड कॉलेजों के प्राचार्य, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से चर्चा के बाद पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में ओपन बुक से परीक्षा पद्धति को लागू किया गया है, जिसे अन्य राज्यों ने भी अपनाया। आगामी सत्र में कोरोना संकट के चलते छात्र को प्रवेश तो दिया जा रहा है, लेकिन अभी कॉलेजों में जाकर पढ़ाई नहीं कराई जाएगी, ऑनलाइन पद्धति से ही छात्रों को शिक्षा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी डीम्ड कॉलेजों को डीम्ड विश्वविद्यालयों का दर्जा दिया जाएगा। साथ ही प्रदेश में भवन विहीन महाविद्यालयों में से 50 को भवन युक्त किया जाएगा। चुनाव के लेकर तो हम बहुत आगे हैं और वर्तमान के दौर में तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस खाली बयानवीरों की तरह चल रही है। कांग्रेस को घर की लड़ाई से फुर्सत नहीं है और जिस प्रकार का माहौल बना है उसमें भाजपा के लिए बहुत अनुकूलता है। आपको कहीं कांग्रेस के लोग दिखे जाते हुए, उनकी कोई बात आई क्या? जो लोग आगे बढ़ते, जिसकी लोकप्रियता होती है, तो उसके खिलाफ ऐसे नाटक करते हैं और वो उससे कोई किसी के वोट नहीं बढ़ते हैं। ज़्यादा बेहतर होगा कि हम अपनी बात पॉजिटिव करें, जो अच्छी बात होगी वो अगर जनता पे फैसला छोड़ दें। किसी के काले पीले झंडे दिखाने से कुछ होता नहीं। जिसकी लोकप्रियता होती है, हमने सबने देखा कि तमाम दावे किए थे कांग्रेस ने अपनी सरकार चलाने के, कोई सरकार पे खतरा नहीं था, कुछ नहीं होने वाला था। आपके सामने अपने रेत में जैसे मुट्ठी भरते हैं और अपने हाथ से फिसलती है, ऐसी कांग्रेस की सरकार गई है। और यही कारण है कि आज जिस ढंग का माहौल दिख रहा है चारों तरफ से, कांग्रेस कहते पति नहीं, तो कांग्रेस बड़ी बड़ी बात की 15 अगस्त को झंडा बंधन हम करेंगे, सरकार हमारी बनेगी, वो 15 अगस्त भी निकल गया और 15 अगस्त 17 लोग कांग्रेस वोट छोड़ छोड़ के बाहर से आ गए। तो कांग्रेस के लिए वाकई में अभी अंतर द्वंद जो चल रहा है, खास करके लीडरशिप को लेकर कांग्रेस को विचार करना चाहिए कि वो पब्लिक पार्टी बनती है या प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बनती है। अगर प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बनेगी तो यही हालत कांग्रेस की होने वाली है। मेरी तो सहानुभूति है, हम विपक्ष में, लोकतंत्र के लिए ये भी जरूरी है कि विपक्ष जिंदा रहना चाहिए, और कांग्रेस विपक्ष के रूप में विपक्ष लायक भी नहीं बन रही है, ना नेता प्रतिपक्ष बना पा रही है, ना मुख्यमंत्री का उनका अपना दौर। आज भी वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी वही है, नेता प्रतिपक्ष भी वही है, सारे रोल एक ही आदमी के हाथ में, तो बाकी लीडरशिप का क्या होगा? मैं उम्मीद करता हूँ कांग्रेस इस पर विचार करेगी और देश और प्रदेश में ताकत के साथ खड़ी होगी। बहरहाल कॉलेजों द्वारा नए कोर्स खोलने की अनुमति भी तत्काल प्रभाव से दी जा रही है, जिससे अधिक से अधिक छात्रों को प्रवेश मिल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबार न्यूज, ग्वालियर।